हेलो एंड वेलकम। तो आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। स्टार्ट करते हैं अगेन एक स्टोरी से जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे तो इंटरेस्टिंग नहीं है, आई डोंट नो आपको कैसी लगेगी। तो फिर से मेट्रो की ही बात है, और आप कहोगे कि बार बार मेट्रो की बातें लेकर बैठ जाती है, बट इट्स बिकॉज आई ट्रैवल इन मेट्रो डेली, तो मेरे को वहीं का ही एक्सपीरियंस है ज़्यादा। और वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे दिन भर में चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करती, बहुत कुछ करती हूँ, बट अभी के लिए एक किस्सा मुझे याद आया, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूजुअली लेडीज़ कोच में ही ट्रैवल करती हूँ डेली। तो लेडीज़ कोच में क्या होता है ना कि लेडीज़ कोच के जस्ट बाद जो है वो मेल कोच स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली मैं जिस तरफ से एंटर करती हूँ उसके जस्ट बाद जो है मेल कोच स्टार्ट हो जाता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ और मैं चढ़ी, और काफ़ी भीड़ थी, और उतने में ही मतलब मैं सीधा चढ़ के सीधा डोर के साथ खड़ी हो गई। एंड एक और लड़की थी वहाँ पे, ऑब्वियसली मेरे साथ ही, और गेट बंद होने ही वाला था मेट्रो का, और इतने में एक लड़का आता है और मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं आप उधर से जाओ, ये फीमेल कोच है। और वो लड़की कहती है उसको, मतलब मेरे बोलने के बाद वो लड़की उसको कहती है कि आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से, आ जाओ। एंड उतने में ही लेडी गार्ड आ जाती है, बिकॉज मैं थोड़ा उसकी तरफ शॉकिंगली देख रही होती हूँ। एंड इतने में ही लेडी गार्ड आ जाती है, एंड लेडी गार्ड उसको बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप ही ऐसे कर रहे हो। तब मैंने उसको बोला, मैंने भी उसको यही बोला, मैंने कहा देखो मैं भी यही बोल रही हूँ आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। इतने में वो लड़का नहीं आ पाता अंदर और गेट बंद हो जाता है और मेट्रो चलने लगती है, और उसके बाद एक्चुअली जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। तो वो लड़की काफ़ी ऐसी हो जाती है लाइक, क्योंकि उसको जो है मैंने बोल दिया और फिर लेडी गार्ड ने भी बोल दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाती है, और वो बोलती है मुझे कि तो क्या हो गया, मतलब इट्स लाइक अगर वो आ भी जाता इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा लिसन, मैंने कहा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम हो सकती थी बहुत सारी लड़कियों के लिए। तो जब मैंने ये बोला ना, तो सरप्राइजिंगली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सरप्राइजिंगली मुझे लगा था कि मैं ही बोलती रहूँगी, एंड एज यूजुअल लोग जो है मेट्रो में इधर उधर सड़कों पे आपको देखते हैं बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते और वो पढ़ते भी नहीं है आपकी चीज़ों में, विच इज़ ओके, आई डोंट केयर रियली। तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि और जो लड़कियां थी वो भी बोलने लगी उस लड़की को कि नहीं ये गलत है, और ऐसे कैसे तुम जो है उसको आने दे रही थी, और यहाँ पे कुछ रूल बना है उसको फॉलो करना होता है, ये वो। और फिर हमने उस लड़की को समझाने की यही कोशिश करी कि सी इट्स नॉट अबाउट इट कि हमारे में ह्यूमैनिटी नहीं है और हम नहीं उसको जाने दे सकते थे, हम जाने दे सकते थे ऑब्वियसली, बट नहीं जाने दिया क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। जब फीमेल कोच से डब्बा भरा होता है एंड देर इज़ नॉट इवन स्पेस टू स्टेप इन, तो उस समय बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, एंड यू नो वट आई मीन। तो वो चीज़ हमने बस, एंड वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उन्होंने बोला भी कि हाँ हमने ये एक्सपीरियंस किया है, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि यस मतलब वी वर हरास्ड। तो मुझे ये काफ़ी मतलब उस समय शॉकिंग लगा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि उतनी लड़कियाँ, मतलब वहाँ पे आई थिंक 5 or 6 लेडीज़ वर देयर एंड दे ऑल स्टार्टेड स्पीकिंग। तो वो जो लड़की थी वो फिर भी ऑफेंडेड ही फील कर रही थी, और उसको कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से या किसी भी चीज़ से कि उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ यू नो आई एम रॉन्ग। फिर नेक्स्ट स्टेशन आया और वो उतर गई। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे यही पॉइंट है कि कुछ चीज़ें ना अगर बनाई गई हैं, इफ देयर इज अ रूल, तो हमको उसको मानना है, ठीक है। रूल्स जो हैं या लॉज जो हैं, या आप इंडियन लॉज की बात कह लो या रूल्स की बात कर लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लो, बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, और बहुत ही मतलब नॉलेजेबल लोगों ने बहुत सोच समझ के उसको बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल गलत है और आप उसको फॉलो करने से आप कुछ गलत कर रहे हो, बहुत ही सोची समझी चीज़ें होती हैं ये। और अगर रूल्स हैं तो उसमें इफ एंड बट नहीं है, आपको फॉलो करना है। बट अब बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो लोग फॉलो नहीं करते, कुछ रूल्स हो सकता है मैंने भी ब्रेक किए हो, रेड लाइट तोड़ी हो, कुछ किया हो, बट नहीं गलत है, वो गलत है, इवन इफ आई हैव डन इट, इट्स रॉन्ग। तो मैं बस वही कहूँगी कि कुछ चीज़ों में ना आप क्लियर होते हो, जैसे कई चीज़ों में तो आपका ओपिनियन होता है कि आप गलत हो या सही हो या क्या हो, मे बी आप सही हो अपने नज़र में, अगला सही है अपने नज़र में, बट कुछ चीज़ों में इट्स स्ट्रेट अवे लाइक इधर या फिर इधर। तो रूल्स अगर बनाए गए हैं तो कुछ सोच के बनाए गए हैं, और मुझे लगता है हम तो बस यही कि अगर रूल्स बनाए गए हैं तो कुछ सोच समझ के बनाए हुए हैं, इसमें आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, आप राइट हो या रॉन्ग हो वो मैटर नहीं करता, रूल्स आर रूल्स एंड एवरीबडी हैव टू अबाइड
बाय देम. तो ये है और बस यही आज मैं बताना चाहती थी. ऐसी याद आया था मुझे आज आते हुए. और वीडियोस जो है वो हर ट्यूसडे को ही आएंगे प्रोबेबली बाय 8 PM. मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल पंक्चुअल रहूं टाइमिंग्स में. ट्यूसडेज़ को 8 PM मन की बात आएगा और फ्राइडेज़ को 8 PM से 9 PM तक और जो मेरे स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस हैं वो आएंगे. तो आप ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं. कुछ आपका सजेशन है, एडवाइस है तो वो भी बता सकते हो. अगर आप मेरे साथ कोलैब करने के लिए देख रहे हो तो मेरा ईमेल आईडी मेंशन होगा, आप उस पर मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हो या फिर अपना ऑफर भेज सकते हो. तो आज के लिए इतना ही और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. नेक्स्ट कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी मन की बात पे. अभी के लिए इतना ही, बाय.